राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नगर में सूदखोरों की धमकियों से परेशान होकर एक कपड़ा व्यापारी ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने व्यापारी वसीम अकरम छीपा का शव शाहपुरा पुलिस थाने के बाहर रखा और आरोपी की गिरफ्तार की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ये प्रदर्शन अब भी जारी है। आक्रोशित लोगों के शव के साथ प्रदर्शन करने से भीलवाड़ा शाहपुरा राजमार्ग पर करीब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वाहनों का लंबा जाम लगा है। सूदखोरों के आतंक से आत्महत्या करने वाले कपड़ा व्यापारी के चाचा हाजी उस्मान छीपा ने बताया कि मेरा भतीजा वसीम शाहपुरा कस्बे के बाड़ी मोहल्ले में रहता था। उसने मोहसिन कायम खानी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और उसने 30-40% ब्याज की वसूली करते हुए यह रकम जो 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 35 लाख रुपए तक कर दी। इसके बाद भी वसूली के लिए सूदखोरों ने उससे परेशान करना नहीं छोड़ा और पिछले कुछ दिनों से धमकियां देना शुरू कर दी। क्या मामला है साहब? मामला ये है साहब कि एक मोहसिन नाम कायम खानी का लड़का है और एक हमारे भतीजे को 1 लाख रुपए दे रखे थे तो 1 लाख की उसने 35 लाख रुपए मांगने लगे कि 35 लाख रुपए लूंगा नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा। जी है कि नहीं? तो उसने इस चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा। के हमारे आत्महत्या जी उससे कड़ी से कड़ी उस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कौन है आरोपी? कौन है? मोहसिन खान कायम खानी। अच्छा। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसका ब्याज इतना भारी है कि 20-40 का ब्याज का पैसा देता हो, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाए। ठीक। कपड़ा व्यापारी वसीम के पिता फारूक मोहम्मद ने बताया कि मेरे बेटे ने सूदखोरों को ब्याज चुकाने के लिए 10 लाख रुपए का प्लॉट बेच दिया था मगर सूदखोरों का ब्याज और उसकी वसूली बढ़ती गई। आज सुबह ही उसने मेरे घर आकर बेटे को धमकी दी थी, मैं रुपए वसूल कर ही लूंगा, मुझे वसूलना आता है। इसके बाद मेरे बेटे ने जहर खा लिया। क्या मामला है साहब? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम फारूक मोहम्मद है साहब। क्या बात हुई? मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे बेचने भी 10 लाख हो गए, परेशान हूँ मैं। 10 लाख में प्लाट बेचो, 37 लाख में नहीं। बाहर आल तो मैंने ज्यादा 2 महीना भी है। आपके बच्चे ने पैसे लिए थे क्या? मेरे को नहीं मालूम साहब। अच्छा, तो क्या मामला, क्या हुआ? मेरे को कुछ भी पता नहीं है। वो मोहसिन वो आयो के बारा छोड़ा गेट के पीछे तो मैं ले लेंगे। मैं क्यों, कौन से पैसे भैया? मेरे को तेरा 1 रुपया दिखाओ तो मेरा लिखा दिखा बता मेरे को। मैं 1 रुपया भी ले तो मैं खे जो कर बंद तैयार हूँ। मारे एक ही मारे बच्चे ही मैं 1 रुपया भी नहीं देखियो आज तक। हमारा सुबह धमकी दे रही हो ना, जो पीछे तो ले लू मैं। अरे इधर देख के। वो अकेला था या और कोई था उसके साथ? मेरे घर में तो अकेला आया था। क्या बोला आपको उसने? बोला कि पैसे तो मैं ले लूंगा, 35 लाख मांगता हूँ। अच्छा, 35 लाख? मैंने तो 35 लाख मेरी जिंदगी में नहीं। वसीम की जब तबीयत खराब हुई तो उसे उपचार के लिए भीलवाड़ा ले गए लेकिन वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वसीम के पिता कहते हैं कि हम शव के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि सूदखोर मोहसिन कायम खानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मेरे बेटे के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके परिवार का क्या होगा? उधर शाहपुरा थाने के बाहर पुलिस उप अधीक्षक प्रियंका कुमावत भारी पुलिस बल के साथ तैनात हैं। भीलवाड़ा से भी अतिरिक्त पुलिस बल शाहपुरा भेजा गया है। शाहपुरा के एक व्यक्ति वसीम खान के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है जिसको लेकर अभी कुछ लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। मामले में कार्यवाही की जा रही है, देखा जा रहा है। उधर शाहपुरा थाने के बाहर देर रात तक भी वसीम का परिवार का विलाप जारी है, लोगों की भीड़ जुटी है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मेरा बच्चा ला दो मेरे को, उसको लेके और मेरे को धमकी दे के गया। वो सुबह में आके उसको सब पता था, उसको बुला लो बस, उसको सजा दो। मेरे बेटे का मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मेरे बेटे का इंसाफ दिला दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाप पकड़ती हूँ। मेरे बेटे का इंसाफ दिला दो मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या प्रशासन से आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला? क्या मिला? कुछ नहीं है, कुछ कोई सुनाई नहीं हो रही है। कब से खड़े 4 बजे के खड़े, मेरा परिवार पूरा परेशान हो रहा। क्या सुनाई हो रही है यहाँ पे? मेरे बच्चे का मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनको पकड़ के लिया बस, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पकड़ती हूँ। मेरे बेटे का इंसाफ दिला दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या जवाब दूंगी? उसके पापा कहाँ से लाऊंगी मैं? उनके पापा कहाँ से लाऊंगी मैं? उनको तो पोतियों को लेके आ जाओ,
पापा कहाँ से लोगी मैं, मेरी बेटियों को इंसाफ दिला दो, मेरे बेटे को किस जाल में फंसाया, मेरे बड़े बेटे को उसने, उसको बुला दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, पाँव पकड़ती हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाओ।